बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू QMS व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो करते हैं शुरू। आज की वीडियो में एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद है, कौन है तुम? नूरी। अपने रजू भाई कुकड़ियाँ वाले हैं। रजू साहब, कुकड़ियाँ का कारोबार कैसा जा रहा है? रजू भाई अपना आ रहा है सीजन कुकड़ियों का, ठीक है? बिल्कुल आ रहा है। तो फिर कोई साढ़े बारे सोचा कि नहीं देसी अंडे? पिछले साल किन्ने दा सी? पिछले साल भी 5000 रुपए दा। रेट नहीं, इंटरनेशनल कुकड़ियां रखियां ने ना। अच्छा रजू साहब फ्री हो? हाँ जी फ्री हैं, वेले दे वेले। पहला एक मिनट गल दसो, कोई तादाद च इजाफा होया कि नहीं कुकड़ियाँ दी? नहीं, सब घटा दी हूँ अगो इंशाल्लाह दोबारा। अच्छा रजू भाई, पासपोर्ट बनवाने जाना है तो फ्री हो ना? हाँ जी हाँ जी, चलिए। तो पासपोर्ट वास्ते किस किस चीज़ की जरूरत है? एक तो अपने आईडी कार्ड की ना, आईडी कार्ड की कापी दे दो बस। अपने रजू साहब भी है ना टूंगे गए हैं, जदों का इन्हों का निकले ना सोतिया का काम बन गया। एक तो डिप्लोमा करके आए सन, तो कोई नहीं फिर इंशाल्लाह खुलना नहीं हो। चलो चलो कोई नहीं, चलिए। हूँ जरा उसे मनीर चौंक कर ली जाना, चलो आयो चल। हेलो रजू भाई, हेलमेट पहनो तो हो जाओ स्टार्ट, बाइक चलाओ। हाँ जी हाँ जी, चलाओ चलाओ चल चल। वेखी लत की पीड़ निकलती है, सोचते हो ठंडी है ये आज अभी पहनना। गरम कर गरम इतना रख दे। हाँ ना ये लत की पीड़ निकल आए तो तेज पप्पू ने मैनू फड़िया है। रजू भाई फिर हूँ जिनी देर तक सोतिया का कम नहीं बनना, कुकड़िया के नाल टुंगिया रहना है। कतर का चलो डैन दो, कतर का भी कैंसल। एक तो शाह जी कतर जा रहे हैं ना, हाँ कहना पिंडी भट्टिया तो कतर जाना। चलो जी चलिए आयो। चलो चलो स्टार्ट करो, चले हेलमेट पहन। हाँ हेलमेट पहनो, चले पक्की। तो ये हम अभी पासपोर्ट ऑफिस में पहुंच गए हैं। पीके साहब तुसी टाइम बड़ा नोट कर दे हो ना, अद्धे घंटे दे विच पहुंचे जे, ते बेशक जिहड़ा ना अगली दफा तुहानू टाइम जिहड़ा ना घड़ी दिखा के जिथे भी जाना स्पेशली तुहानू। रजू साहब को पुछ लवो, रजू साहब पीके राजा कहिंदे तुसी झूठ बोलदे हो इन्ने टाइम विच जिहड़ा ना नहीं पहुंचदे। ठीक है पीके साहब, ते हुण जिहड़ा चलान फॉर्म फिल करके, चलान फॉर्म हाँ पासपोर्ट का फॉर्म जमा करके नेशनल बैंक में लाइन में लग के फीस जमा करवा के फिर वो ऑफिस में जाना है। तो लेट्स गो, चलते हैं। आ जाओ रजू साहब, है ये अभी हम नेशनल बैंक आ गए हैं, यहाँ पे फीस जमा करवाएंगे और फिर वापस पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे। अभी हम जाने लगे हैं दोबारा पासपोर्ट ऑफिस, तो वहाँ पर जाके तो ये अब देखते हैं। तो बाकी एक और बात है वो आपको बाद में बताते हैं कि क्या बात है, आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूर सुनिएगा, वो बताऊंगा मैं आपको जी। तो अपना तो पासपोर्ट इंशाल्लाह आ जाएगा 13 दिन बाद। तो रजू साहब थोड़ी बड़ी बड़ी मेहरबानी, तुसी कुकड़ियाँ का ना छड़ के तुसी मेरे नाल गैस ले लो खवाड़ो। अच्छा यार एक जो ज़रूरी बात ये है,
कि अगर कोई फर्स्ट टाइम जाता है ये पासपोर्ट बनवाने, तो ये बाहर जो ऑफिस के बाहर माफिया बैठा हुआ है ना, इनसे कोई भी काम ना करवाएं, क्योंकि ये पासपोर्ट की जो फीस है 3,500 रुपये है जो कंप्लीट है, तो ये 4,500 रुपये मांग रहे थे हमसे। तो हमने खुद ही जाके, आप खुद ही वहाँ से फॉर्म फिल करवाएं, तो बैंक में जाके खुद ही फीस जमा करवाएं और उसके बाद फॉर्म भी खुद ही जमा करवाएं। तो ये कहते हैं आपको फुल जो है ना अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे कि आप इधर बैठें, 4,500 रुपया दें तो हम आपका सारा काम कर देंगे, मगर नहीं, सिर्फ 3,000 में आप खुद सारा काम करें। तो इसी के साथ एक और मेरा बेस्ट फ्रेंड तो क्या बेस्ट ही है, जो मुझे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि पासपोर्ट बनवाओ, तो आज मुझे एहसास हुआ है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्योंकि ये जॉब्स वगैरह आती रहती हैं फ्री, तो उनके लिए बंदा अप्लाई कर देता है। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है रजू साहब, रखोगे ना दुआ में अंदर, ओके, अल्लाह हाफिज़।